दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है बार्कमैन ब्रांड का ग्लैडिएटर 2-in-1 मेटल प्लस ग्लास माइक्रोफाइबर टॉवल। और 2-in-1 मेटल प्लस ग्लास का मतलब है माइक्रोफाइबर टॉवल जो है डबल साइडेड है, एक साइड है कार के ग्लास सरफेस को क्लीन करने के लिए, दूसरा साइड है कार के मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए। लेकिन क्लीन करने के साथ साथ कार के मेटल सरफेस पर यानी कार के पेंटेड सरफेस पर पॉलिश को यूज़ करने के बाद उसको वाइप अप करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ कार को वॉश करने के बाद कार को ड्राई करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस माइक्रोफाइबर टॉवल को कार के ग्लास और मेटल दोनों सरफेस पर ही आपको यूज़ करके दिखाएंगे इसका क्वालिटी कैसा है, साथ साथ देखेंगे इस माइक्रोफाइबर टॉवल जो है कितना मात्रा में पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है। तो कृपया वीडियो के साथ बन रहे हैं, और आप अगर इस माइक्रोफाइबर टॉवल को खरीदना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेसिंग आपको मिल जाएगा। चैनल में नया चैनल का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो बना डाऊंगा वीडियो को शुरू करते हैं। बार्कमैन ग्लैडिएटर 2-in-1 माइक्रोफाइबर टॉवल के यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है 2-sided और यहाँ पर अप्रॉक्स साइज बताया जा रहा है 44x38 सेंटीमीटर। लेकिन हालांकि पैकेट में कहीं पर भी GSM वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पर बताया जा रहा है ये जो है 800 GSM का है। नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो हम यूज़ करते हैं वो इतने साइज का आता है, देख लीजिए काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों माइक्रोफाइबर टॉवल जो है, और काफ़ी थिक भी है। और माइक्रोफाइबर टॉवल के ये जो डीप ब्लू कलर का साइड है ये है मेटल सरफेस के लिए, और ये वाला जो लाइट ब्लू कलर है ये है ग्लास सरफेस के लिए। तो डेफिनेटली इसका जैसा सॉफ्ट तो नहीं है ये, लेकिन ग्लास को क्लीन करने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा डस्ट वगैरह लगा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले माइक्रोफाइबर टॉवल के जो मेटल साइड है इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक वाटरलेस कार वॉश सॉल्यूशन है, तो इसको स्प्रे कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में स्प्रे कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा यहाँ पर सॉल्यूशन लगे, ये जो है पानी के साथ डाइल्यूट है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों मेटल साइड जो है इसको रखते हैं और इसको ऐसे वाइप करते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पर पानी जो है इसके अंदर में एब्जॉर्ब हो चुका है, और क्लीन भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का हुआ है। और इतना सॉफ्ट होने के कारण दोस्तों यहाँ पर स्क्रैच मार्क्स या फिर सॉयल मार्क्स आने का चांसेस भी कम रहता है। देख लीजिए यहाँ पर एक ही जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बार ऐसे वाइप किया तो यहाँ पर पानी गायब। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस साइड में जो गीला हो रहा है वो वाला चीज़ इस साइड में नहीं आ रहा है, यह वाला चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब दोनों साइड सेपरेट है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, क्लीनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मतलब डस्ट वगैरह के ऊपर में इसको वाइप करें, देन डेफिनेटली स्क्रैच मार्क्स या फिर सॉयल मार्क्स आने का चांस रह जाता है। उसके बाद सिंपली ऐसे रखना है, या फिर चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और उसके बाद सिर्फ वाइप कीजिए। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से इसके अंदर में एब्जॉर्ब भी हुआ वाटरलेस वॉश सॉल्यूशन जो है, और क्लीन भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का हुआ। दोस्तों कार के रियर विंडशील्ड के ये वाला सरफेस को देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है। अभी इस साइड में हम माइक्रोफाइबर टॉवल के जो ग्लास वाला साइड है इसको यूज़ करेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि ग्लास के ऊपर में डस्ट वगैरह लगा है उसके ऊपर में आप डायरेक्टली वाइप कर दें, देन डेफिनेटली आपके कार के ग्लास सर्फेस पर स्क्रैच मार्क्स आने का चांस रह जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लास क्लीनर को स्प्रे कर देंगे, और उसके बाद ग्लास वाला साइड से इसको वाइप कर देंगे। देखिए देखिए वाइप करते ही पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, और कोई स्क्रैच मार्क्स वगैरह भी नहीं आया है। और ये वाला जो है स्पिरिट है इसमें, तो थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएगा, तो कोई भी ये वाला सारे मार्क्स नहीं रहेगा। और देखिए यहाँ पर क्या हाल हो गया है, अभी फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर में पूरा ग्लास क्लीनर को स्प्रे कर देंगे, इसके बाद ग्लास साइड को यहाँ पर ऐसे रख के उसको वाइप कर देंगे। देखिए
अभी दोस्तों यहाँ पर एक मग में हमने आधा से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है, तो इसके अंदर में इस माइक्रोफाइबर टॉवल को डालते हैं और देखते हैं कितना मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है अपने अंदर में। तो देख ही सकते दोस्तों काफ़ी मात्रा में जो है अपने अंदर में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। नॉर्मली जो 340 GSM वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है वो इतना मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा निचोड़ता हूँ, देखिए देखिए कितना पानी था इसके अंदर में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, हमारे इस मेहनत जो कि हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं अगर आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हैं तो थोड़ा सा कृपया करके सपोर्ट दीजिए हमें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, उनका ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।